फिरोजाबाद एक तरफ जहां पर प्रशासन उपचुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है, वहीं दूसरी तरफ टुंडला विधानसभा में गांव के लोगों ने उपचुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने का मन बना लिया। गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा मतदान। गांव के मकानों के दीवारों पर भी लिखा उपचुनाव का होगा बहिष्कार। शासन प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। कुल आबादी लगभग 800 यहां गांव की है, उसमें से लगभग 250 वोटर है। गांव में नहीं बना एक भी अभी तक शौचालय। पूरे गांव में हैंडपंप पानी की टंकी भी नहीं, जो कई सालों से पड़ी है खराब। साथ ही गांव में नाली नहीं, स्कूल नहीं। खरंजे नालियों का निर्माण उक्त अधिकारियों से शिकायत करने पर भी नहीं हुई कोई सुनवाई। गांव वालों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव स्वर्ण समाज से, इसलिए प्रशासन ने इस पर नहीं ध्यान दिया है। भाजपा सरकार की छवि धूमिल करना चाहता है प्रशासन, इसी के चलते गांव नहीं करेगा मतदान। ब्लॉक नारखी के ग्राम पंचायत नारखी तहसील के गांव भुन नगरिया का ये मामला है। ऐसा है, हमारा गांव लगभग 700-800 जनसंख्या है मेरे गांव की, और उसमें करीब 200-250 वोट है। ठीक है, गांव के अंदर 2 हेडपंप हैं, वो भी खराब पड़े हैं 3 साल से। पानी की टीटीएस टंकी लगी हुई है 3 साल से खराब पड़ी हुई है। पूरी जनता ऐसी तपतपाती धूप में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। लेकिन कई बार बीडीओ साहब से शिकायत की, सेक्रेटरी साहब से शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई सुन के नहीं दिया। और इसीलिए न तो कोई गांव के अंदर नाली खरंजा का निर्माण हुआ, और विशेष बात ये गांव के अंदर एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया। कई बार आधार कार्ड और वो दिए गए, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ये क्षत्रियों का गांव है, इसलिए शायद हमें लगता है इसलिए वंचित है विकास से। और ये योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं ये अधिकारी। ये क्षत्रियों का गांव है, इसलिए कोई विकास नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे अब? हम आने वाले उपचुनाव में पूर्ण तरीके से हर पार्टी का बहिष्कार करेंगे, और कल से बोर्ड भी लगा दिया जाएगा, सभी राजनेताओं का गांव में प्रवेश मना है। तो क्या पूरा गांव बहिष्कार करेगा या आप भी कुछ लोग हैं? पूरा गांव बहिष्कार करेगा। गांव बोर्ड नगरिया, आपके द्वारा जो उपचुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार द्वारा, ना ही कोई पानी का नल है, ना सड़क की व्यवस्था है, नाली वगैरह है, ना एक लैट्रिन बनी है, ना प्रधान ने काम कुछ कराया, ना आज तक ब्लॉक से कोई आया। हमने वो विधायक थे पहले एसपी सिंह बघेल, उनको भी दी थी एप्लीकेशन, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। ना स्कूल है, ना कोई व्यवस्था शादियों के लिए, कोई विकास का कार्य ही नहीं हुआ हमारे गांव भोड़ नगरिया में। कितने व्यक्तियों की आबादी है, कितनी संख्या होगी गांव में? गांव में होंगे करीब 200 वोट 200 वोट की वोट है। आबादी से ज्यादा है, आबादी 300 वोटर हैं, 35 घर हैं करीब। अच्छा, तो चुनाव का बहिष्कार करने वाले कितने लोग हैं? सारे लोग हैं, पूरा गांव ही बहिष्कार करेगा। पूरा गांव ही बहिष्कार करेगा, पूरा गांव करेगा। तो आप इस चुनाव में वोट नहीं डालोगे? नहीं, वोट नहीं डाले हैं कोई, किसी को भी, किसी को भी ना प्रचार करने डालेंगे, ना प्रचार करेंगे ना वोट डालेंगे, किसी भी को घुसने ही नहीं देंगे प्रत्याशी, गांव में ही घुसने देंगे, गांव में ही घुसने नहीं देंगे किसी। समस्या जो है कि पहले नंबर पानी की, पानी के अलावा जी बिजली को जी ट्रांसफार्मर सही होना चाहिए जी, गांव में विकास, गांव का विकास खत्म हो, नाली वगैरह जी, सड़क यही बन जाए जी, होनी चाहिए लैटरिन है नहीं है, शादी के लिए क्या कहते हैं, क्या व्यवस्था रोके ना, कोई ऐसी जगह है नहीं है। लैटरिन तो एक ऊना प्रधान ने बनवाई, कोई कार नहीं है, गांव की पेना जो है यार। हम नगरिया के, नाम हरप्रसाद है। इनबीसी न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।